नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो है JNU MSc लाइफ साइंस ईयर 2015 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व पार्ट ए। इसमें हम लोग जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो पार्ट ए, जो कंपलसरी पार्ट है, उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू फाइंड आउट इफ अ सैंपल कंटेन प्रोटीन्स, यानी कि अगर किसी सैंपल में प्रोटीन दिया हुआ है तो आप कौन सा टेस्ट करेंगे जिससे आप कंफर्म कर सकें कि उसमें प्रोटीन है। तो इसमें जो बेनेडिक्ट्स टेस्ट होता है ये शुगर्स के लिए होता है, इमल्शन टेस्ट जो है ये फैट्स के लिए होता है, बायोरेट टेस्ट जो है ये प्रोटीन का है, और आयोडीन टेस्ट जो है वो स्टार्च का है। तो करेक्ट आंसर इसमें होगा बायोरेट टेस्ट। क्वेश्चन टू, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेप्ट, यानी कि इसमें से तीन जो हैं वो स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट्स हैं एक को छोड़ के। तो इसमें जो स्टार्च है ये आपका स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है प्लांट्स में, ग्लाइकोजन आपका है एनिमल्स में, अमाइलोज जो है ये फ्रैक्शन है स्टार्च का, स्टार्च जो है वो अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन का बना है तो अमाइलोज भी होगा, सेलुलोज जो है ये स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड है, ये स्टोरेज पॉलीसेक्राइड नहीं होती, ये स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड होती है, यानी कि ये स्ट्रक्चर को, प्लांट के स्ट्रक्चर को बनाती है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सेलुलोज। क्वेश्चन थ्री, द टोटल एनर्जी ऑफ अ सेल इज, जो सेल की एनर्जी करेंसी है वो एटीपी होती है। तो इस हिसाब से टोटल एनर्जी ऑफ द सेल वो हुई, यानी कि किसी भी सेल में कितना टोटल एटीपी प्रेजेंट है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा द एक्सटेंट टू विच टोटल एडेनिन न्यूक्लियोटाइड पूल इज फॉस्फोराइलेटेड। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी एडीपीज हैं, जितने भी एडेनिन्स हैं वो फॉस्फोराइलेटेड हैं, यानी कि जब वो फॉस्फोराइलेटेड होंगे, एडीपी जब फॉस्फोराइलेट होगा तो वो एटीपी फॉर्म करेगा। तो कितने एटीपी प्रेजेंट हैं ये इसी चीज़ को ये ऑप्शन कह रहा है। तो करेक्ट आंसर इसमें होगा ऑप्शन डी। यहाँ पर ऑप्शन ए है द डिफरेंस बिटवीन चार्ज ऑन आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ द सेल, इससे कोई मतलब नहीं है। टोटल एनर्जी ऑफ द सेल इज जनरेटेड बाय सोडियम पोटेशियम एटीपी, ये भी सही नहीं होगा। द ओवरऑल रेट ऑफ एनर्जी यूज्ड बाय द सेल, ये भी नहीं होगा। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ही होगा। क्वेश्चन फोर, ग्लाइकोलिसिस इज द नेम गिवन टू द पाथवे इन्वॉल्विंग द कन्वर्जन ऑफ, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है पाइरुविक एसिड या पाइरुवेट में। तो ऑप्शन ए है ग्लाइकोजन टू ग्लूकोजन, ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट, ये भी नहीं होगा। ग्लाइकोजन और ग्लूकोज टू फ्रक्टोज, ये भी नहीं होगा। ग्लूकोज और फैटी एसिड्स टू पाइरुवेट और एसिटिल कोएंजाइम, ये भी नहीं होगा क्योंकि ग्लाइकोलिसिस में फैटी एसिड्स नहीं आती। ग्लाइकोजन और ग्लूकोज टू पाइरुवेट और लैक्टेट, ये आंसर सही होगा। इसमें ग्लाइकोजन जो है, जो स्टोरेज पॉलीसेक्राइड है एनिमल्स में, वो सबसे पहले टूटता है, वो बनाएगा ग्लूकोज, या ग्लूकोज जो हम लोग डाइट में लेते हैं वो, उसका कन्वर्जन होता है पाइरुवेट में या लैक्टिक एसिड में। पाइरुवेट एनारोबिक कंडीशन में लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन फाइव, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज करेक्ट, यानी कि आपको सीरीज को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में लगाना है। तो वन ऑक्टेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है 195 डिग्री सेंटीग्रेड, वन हेक्सोनॉल का है 157, थ्री हेक्सोनॉल का है 135, और टू मिथाइल टू पेंटेनॉल का है 121। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन हुआ ए, एन ऑक्टेनॉल सबसे ज़्यादा, वन हेक्सोनॉल उससे कम, थ्री हेक्सोनॉल उससे कम, और टू मिथाइल टू पेंटेनॉल सबसे कम। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन सिक्स, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग अमाइनो एसिड, इसमें आपको अमाइनो एसिड को आइडेंटिफाई करना है। तो ये जो है जहाँ पे क्रॉस है ये कार्बन है, तो एक ये हाइड्रोजन हो गया, एक अमाइनो हो गया, एक कार्बोक्सिलिक हो गया, और साथ में ये आर ग्रुप हो गया, ये अमाइनो एसिड है ल्यूसीन, ऑप्शन बी। सेवन, अ प्रोटीन इज बाउंड टू एन आयन एक्सचेंज कॉलम, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज मोस्ट लाइकली टू हेल्प इट टू इल्यूट फ्रॉम द कॉलम,
यानी कि आपका जो प्रोटीन है वो आयन एक्सचेंज कॉलम से जुड़ा हुआ है। अब आप उसको कैसे इल्यूट करेंगे, यानी कि आप उसको कैसे कॉलम से निकालेंगे? तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में जो प्रोटीन का इल्यूशन होता है वो सॉल्ट या पीएच के चेंज के द्वारा होता है, यानी कि हम सॉल्ट यानी कि NaCl ऐड करते हैं जिसके कारण पीएच बदलता है और प्रोटीन इल्यूट होता है। तो करेक्ट आंसर है इसमें आंसर सी, द प्रेजेंस ऑफ अ सॉल्ट सच एज NaCl। ऑप्शन ए है प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट सच एज 2-mercaptoethanol, ये भी नहीं होगा। प्रेजेंस ऑफ चिलेटिंग एजेंट सच एज EDTA, ये भी नहीं होगा। प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोफोबिक लिगैंड दैट इज हाईली स्पेसिफिक फॉर प्रोटीन, ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। 18, व्हाट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स मेक्स द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिटर्मिनेंट्स इक्वल, यानी कि किस इक्वल से दोनों डिटर्मिनेंट्स इक्वल होंगे। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2x square, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। तो 2x square minus 15 इज इक्वल टू 16 × 32 इंटू माइनस 5 × 3 = 15, यानी कि 2x square minus 15 इज इक्वल टू 32 - 15। तो 2x square = 32, तो x = 4, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। 9, अ फैमिली हैज 2 children, द ओल्डर चाइल्ड इज अ गर्ल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड चाइल्ड विल आल्सो बी अ गर्ल, यानी कि एक फैमिली में 2 children हैं, जो ओल्डर चाइल्ड है वो एक लड़की है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि जो सेकेंड चाइल्ड होगी वो भी एक गर्ल होगी। तो इसमें आपका जो टोटल पॉसिबिलिटी बनेंगी वो 2 बनेंगी, फर्स्ट चाइल्ड फीमेल है तो सेकेंड चाइल्ड भी फीमेल होगा, अगर फर्स्ट चाइल्ड फीमेल है तो दूसरा चाइल्ड यहाँ पर मेल होगा, यानी कि सेकेंड चाइल्ड में मेल और फीमेल होने की इक्वल प्रोबेबिलिटी है। सिंस हमें पता है कि जब भी कोई प्रेगनेंसी होती है तो मेल और फीमेल होने की प्रोबेबिलिटी होती है 50%, तो इस केस में भी सिंस मेल और फीमेल होने की इक्वल प्रोबेबिलिटी है तो फीमेल होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हाफ होगी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। 10, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ एन एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन विल चेंज, यानी कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या बदलता है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में जो इनहिबिटर है वो एंजाइम के एक्टिव साइट पे जाके बाइंड करता है, तो इससे KM में चेंज आता है बट Vmax नहीं बदलता। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। 11, मोस्ट बैक्टीरियल फर्मेंटेशंस यील्ड हाउ मेनी नेट ATP मॉलिक्यूल्स पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, यानी कि बैक्टीरियल फर्मेंटेशन में आपको ग्लाइकोलिसिस में नेट यील्ड कितनी मिलेगी। बैक्टीरियल फर्मेंटेशन में सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस के दौरान ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है और पायरुविक एसिड फिर फर्मेंटेशन के दौरान इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लाइकोलिसिस में जो नेट यील्ड होती है वो है 2 ATP और 2 NADH2, और फर्मेंटेशन के दौरान ये जो 2 NADH2 हैं वो यूज़ हो जाते हैं ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू इथेनॉल। तो इस केस में बैक्टीरियल फर्मेंटेशन में जब इथेनॉल बन रहा है तब आपको नेट यील्ड मिलेगा 2 ATP, यानी कि जो 2 NADH2 बन रहा था वो आपका यूज़अप हो जाएगा इथेनॉल के कन्वर्जन में, तो आपको जो नेट यील्ड मिलेगा वो सिर्फ 2 ATP मिलेगा पर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। 12, व्हाट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज कैप्सिड सराउंडिंग द वायरस मेड अप ऑफ, यानी कि वायरसेस के स्ट्रक्चर में जो कैप्सिड होता है वो किस चीज़ का बना होता है, तो वो प्रोटीन का होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोटीन। 13, मैनी बैक्टीरिया दैट इंटर सर्कुलेटरी सिस्टम आर इनगल्फ्ड एंड डिस्ट्रॉयड बाय, यानी कि जो बैक्टीरिया सर्कुलेटरी सिस्टम में इंटर होते हैं उनका इनगल्फमेंट और डिस्ट्रक्शन किसके थ्रू होता है, तो वो होते हैं फेगोसिटिक वाइट ब्लड सेल्स, यानी कि जो ब्लड में फेगोसिटिक वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो इन बैक्टीरिया को इनगल्फ करते हैं, यानी कि अपने अंदर लेते हैं और फिर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड टू स्टरलाइज हीट लेबाइल सॉल्यूशंस, हीट लेबाइल का मतलब होता है हीट सेंसिटिव, यानी कि आप किस मेथड के द्वारा हीट सेंसिटिव सॉल्यूशन को स्टरलाइज करेंगे।
तो इसमें ऑटोक्लेव आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये हीट का यूज़ होता है, पास्चराइजेशन और ड्राई हीट, ये तीनों मेथड्स में हीट का यूज़ होता है, इनको आप यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन यूज़ किया जाता है, यानी कि बहुत ही कम पोर साइज़ के मेम्ब्रेन फिल्टर्स यूज़ होते हैं जिसके थ्रू इसके सोल्यूशन को पास कराया जाता है और इससे इनका स्टरलाइजेशन होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। 15. Eukaryotes have at least three nuclear RNA polymerase enzymes. Which of the following is the correct choice of transcripts generated by three RNA polymerase 1, 2 and 3? यानी कि यूकैरियोट्स में अलग अलग RNA को ट्रांसक्राइब करने के लिए अलग अलग पॉलीमरेजेस यूज किए जाते हैं, वो पॉलीमरेजेस हैं RNA polymerase 1, 2 and 3। तो ये तीनों किस किस RNA को ट्रांसक्राइब करते हैं वो आपको बताना है। तो RNA पॉल 1 करता है राइबोसोमल RNA को, RNA पॉल 2 करता है मैसेंजर RNA को, और RNA पॉल 3 करता है ट्रांसफर RNA को। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। इसको याद रखने का तरीका है RMT, पॉल 1 2 3 RMT। 16. द टू गैसेस मेकिंग हाईएस्ट रिलेटिव कंट्रीब्यूशन टू ग्रीन हाउस गैसेस आर, यानी कि वो दो गैसेस जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट में, वो हैं आपके सबसे पहला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा हुआ मीथेन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। 17. अ कल्चर ऑफ बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस 5 जनरेशन इन 2 आवर्स, व्हाट इज द जनरेशन टाइम ऑफ दिस बैक्टीरियम अंडर दीज कंडीशंस। यानी कि कोई भी कल्चर बैक्टीरिया का 5 जनरेशन प्रोड्यूस करता है 2 आवर्स में, तो जनरेशन टाइम कितना हुआ? जनरेशन टाइम का फॉर्मूला है टाइम स्पेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जनरेशन। तो टाइम स्पेंट है 2 आवर्स यानी कि 120 मिनट्स डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 24 मिनट्स। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। 18. व्हाट इज अ सेकेंडरी मेरिस्टम। सेकेंडरी मेरिस्टम जो होते हैं ये डिफरेंशिएटेड सेल से डेवलप होते हैं और इससे गर्थ बढ़ती है। मतलब जो मान लीजिए स्टेम है उसका जो स्टेम की जो गर्थ है वो बढ़ेगी। तो करेक्ट आंसर इसमें होगा द मेरिस्टम दैट डेवलप्स फ्रॉम डिफरेंशिएटेड सेल्स। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। 19. द हार्ट रेट मे बी इंक्रीज्ड बाय। हार्ट रेट जो इंक्रीज होता है वो एड्रेनलिन से होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। एसिटिलकोलीन, सिंपैक्थोटोमी और स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व से हार्ट रेट इंक्रीज नहीं होता। 20. द नर्वस सिस्टम इज डिराइव फ्रॉम, यानी कि नर्वस सिस्टम का ओरिजिन क्या है? तो नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टोडर्म से ओरिजिनेट हुआ था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। 21. ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन इज प्रोड्यूस्ड बाय। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन या HCG, ये जो हार्मोन है ये प्रेगनेंसी के दौरान होता है और जितनी भी प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स यूज होती हैं उसमें इसी हार्मोन का डिटेक्शन किया जाता है। ये जो हार्मोन है ये प्लेसेंटा प्रोड्यूस करता है और ये यूरिन में फिर रिलीज होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। 22. विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज अ टिपिकल ऑफ प्रोकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो शो करता है प्रोकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन का एक फीचर। तो पहला है कंपार्टमेंटलाइजेशन। कंपार्टमेंटलाइजेशन जो है वो यूकैरियोट में होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रांसक्रिप्शन है वो अलग, और ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन अलग अलग कंपार्टमेंट में होंगे। ट्रांसक्रिप्शन जो होगा वो न्यूक्लियस में होगा, ट्रांसलेशन जो होगा वो साइटोप्लाज्म में होता है। तो ये भी नहीं होता क्योंकि प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होते हैं। दूसरा है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन या PTM। पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन यूकैरियोट का एक फीचर है, ये प्रोकैरियोट में नहीं होता। इन्हेंसर्स जो हैं ये भी यूकैरियोट में होते हैं, ये प्रोकैरियोट में नहीं होते। पॉलीसिस्ट्रॉनिक मैसेंजर RNA, पॉलीसिस्ट्रॉनिक मैसेंजर RNA का मतलब है एक मैसेंजर RNA में कई जीन के ट्रांसक्रिप्ट्स होंगे। तो ये जो फीचर है ये फीचर प्रोकैरियोट्स का होता है। यूकैरियोट्स में पॉलीसिस्ट्रॉनिक नहीं होते, उसमें एक सिंगल जीन का ही ट्रांसक्रिप्शन एक बार में होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। 23. द फॉलोइंग एनिमल्स आर फाउंड इन एन इंडियन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इकोसिस्टम। आउट ऑफ दिस एनिमल्स द मोस्ट न्यूमरस वुड बी,
यानी कि इंडियन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट सिस्टम में जो एनिमल्स पाए जाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा नंबर किसका होगा। अगर आप पिरामिड ऑफ नंबर देखें तो सबसे ज़्यादा नंबर होता है नॉर्मली प्रोड्यूसर्स का, जो प्लांट्स हैं, फिर उससे कम होते हैं हर्बीवोर और सबसे कम होते हैं कार्निवोर। तो इसमें जो आपका लियोपार्ड है, लेपर्ड है, किंग कोबरा है और ग्रेट हॉर्न्ड आउल है, ये तीनों आपके कंज्यूमर्स कार्निवोर्स हैं। चीतल जो है वो एक तरह का हिरन होता है, ये आपका हर्बीवोर है। तो इसमें जो हर्बीवोर है इसका नंबर ज़्यादा होगा, कार्निवोर का नंबर कम होगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। 24. द रीसेंट डिक्लाइन इन वल्चर्स हैज़ बीन एट्रीब्यूटेड टू, यानी कि अभी कुछ सालों में वल्चर्स या गिद्ध का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा कम हुआ है। उसका एक कारण ये है कि डाइक्लोरोफेनाक, ये एक पेन किलर मेडिसिन है, ये एनिमल्स को दी जाती है उनके वेलबींग के लिए या उनको ठीक करने के लिए। तो जितने भी स्लॉटर्ड एनिमल्स हैं ज़्यादातर उनको डाइक्लोरोफेनाक दिया जाता है। तो इसके कारण क्या होता है कि ये जो केमिकल है ये वल्चर्स के लिए पॉइजन का काम करता है। तो अगर कोई भी वल्चर किसी मीट को खाता है जिसमें ये केमिकल है, उसकी फिर डेथ हो जाती है। और यही कारण है कि अभी रीसेंट टाइम्स में वल्चर का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है। तो उसका मेन कारण यही है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वाइड स्प्रेड यूज ऑफ डाइक्लोरोफेनाक एज अ पेन किलर फॉर लाइव स्टॉक। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। 25. अ सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड लेंथ एल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई पैरेलल टू द सिलेंडर एक्सिस, द टोटल फ्लक्स फॉर द सरफेस ऑफ सिलेंडर इज। इसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, इसमें आप बस ये समझ लीजिए कि जो सिलेंडर एक सिलेंडर है ऑफ रेडियस आर एंड लेंथ एल, और वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा गया है जो पैरेलल है उसके सिलेंड्रिकल एक्सिस से। तो टोटल फ्लक्स सरफेस के सिलेंडर पे कितना होगा, तो इसमें जो ऊपर और नीचे के सरफेस पे जो फ्लक्स होगा वो दोनों को कैंसिल कर देगा क्योंकि उनका डायरेक्शन अपोजिट होगा। इसके कारण जो टोटल फ्लक्स होता है वो ज़ीरो होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। 26. वैंडीग्राफ जनरेटर्स आर समटाइम्स बिल्ड हॉरिजॉन्टली बिकॉज, वैंडीग्राफ जनरेटर्स जो होते हैं वो हाई पोटेंशियल जनरेट करते हैं और ये कभी कभी हॉरिजॉन्टली बनाए जाते हैं, इनको टैंडम वैंडीग्राफ जनरेटर्स कहा जाता है। और क्योंकि ये एक्सेलरेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो करेक्ट आंसर इसमें होगा ऑप्शन बी। 27. Why a radiocarbon dating is not good for material more than 30,000 years old? यानी कि अगर कोई material 30,000 साल पुराना है उसके लिए हम लोग radiocarbon dating use क्यों नहीं करते? Carbon 14 का जो decay होता है वो 5,730 years में होता है, यानी कि इसकी जो half life है वो है 5,730 years। तो अगर 30,000 साल पुराना कोई है तो उसमें C14 का अमाउंट बहुत ही कम होगा, मतलब वो इतना कम होगा कि आप उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। इस वजह से जो भी मटेरियल 30,000 ईयर्स ओल्ड होते हैं या उससे ज़्यादा होते हैं उसके लिए C14 डेटिंग नहीं होती। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बिकॉज द अमाउंट ऑफ C14 बिकम्स इमेजरेबली लो इन 30 ईयर्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। 28. Sequence specific DNA binding transcription factors often find their target sites in promoter faster than would be anticipated by three-dimensional diffusion. If the same target is present in a short or a long fragment of DNA, which of the following is likely to be correct? Sequence specific DNA binding transcription factors जो होते हैं वो बहुत easily जाकर अपने promoter पे bind करते हैं। इसमें ये दो मेथड को यूज़ करते हैं, एक तो थ्री डायमेंशनल डिफ्यूजन होता है जिसमें ये डिफ्यूज़ करते हैं, उसके बाद ये डीएनए पे जाके बाइंड करते हैं और डीएनए के ऊपर स्कैन करते हैं, यानी कि डीएनए पे चलते चलते स्कैन करते हैं और जहाँ पे इनका सीक्वेंस होता है वहाँ पे जाकर ये बाइंड कर जाते हैं।
तो इस केस में अगर आपके पास एक शॉर्ट एक और एक लॉन्ग फ्रैगमेंट है, तो शॉर्ट फ्रैगमेंट में वो इजीली ढूंढेगा, क्योंकि वो सीधे जाके डीएनए पे बाइंड करेगा, उसको स्कैन करेगा और जहाँ पे उसका सीक्वेंस होगा वहाँ पर बन जाएगा। तो अगर डीएनए फ्रैगमेंट छोटा है तो वो इजीली उसको खोज लेगा, और अगर वो लंबा है तो उसको टाइम लगेगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, द टारगेट साइट इन द शॉर्ट फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए इज लाइकली टू बी फाउंड फर्स्ट। 29, द कोवेलेंट बॉन्डिंग बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स रिक्वायर, यानी कि अगर कोई दो एटम कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन्स, इसी को कहा जाता है पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। 30, मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज नॉट कनेक्टेड विद, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन है वो न्यूमेरिकल अपर्चर पर डिपेंड करेगा, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव पे करेगा, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस पे करेगा, ट्यूब लेंथ पे नहीं करेगा, यानी कि जिस ट्यूब में आपने इन दोनों लेंसेस को रखा है उस ट्यूब की लेंथ पर ये डिपेंड नहीं करता। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। थैंक यू।